नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम बजट 23-24 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया लोक कल्याणकारी, कहा नए भारत की समृद्धि का संकल्प व अंत्योदय का विजन है बजट, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में नागरिकों की सुनेंगे फरियाद। नेपाल से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे विष्णु अवतारी शालिग्राम देवशिला रथ को बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद अयोध्या धाम के लिए किया गया रवाना। कहा अयोध्या पहुंचने के बाद इसी शालिग्राम देवशिला से तैयार की जाएगी भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है 14 टेबल। हर टेबल पर 4 राजस्व कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। गुरुवार को मतगणना पेटी को प्रत्याशियों के सामने खोलकर करेंगे गिनती जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन गरीबों की चिकित्सा शिक्षा व अनाज का कर रहा है प्रबंध। देश के 20,000 स्थानों पर मदद के लिए शुरू किया गया है हिंदू हेल्पलाइन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मतगणना ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह व एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने की बैठक। कहा कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर नहीं करेगा मोबाइल फोन का प्रयोग, मतगणना सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगा सम्पन्न। धोखाधड़ी कर चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो चोरी के पीले धातु का गहना किया बरामद, भेजा जेल। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए बने नए सॉफ्टवेयर के संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा सॉफ्टवेयर में एक्सीडेंट के बारे में विस्तार से भरे सूचनाएं ताकि डाटा एनालिसिस के आधार पर सरकार को भेजी जा सके रिकमेंडेशन। भाजपा महानगर के कार्य समिति की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। ने कहा केंद्र व प्रदेश सरकार का समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति का उत्थान करना है लक्ष्य। और 3 फरवरी को अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान विश्वकर्मा के प्रकट्य दिवस पर विश्वकर्मा मंदिर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2023-24 को लोक कल्याणकारी बताते हुए इसकी काफी सराहना की। सीएम ने हर वर्ग की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले केंद्रीय बजट का स्वागत किया, साथ ही सर्व समाज के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। यह बजट निसंदेह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आम बजट 2023-24 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है और 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत करता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है, 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है।
वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वप्रथम गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही उन्होंने गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे, जहां पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुनेंगे। नेपाल से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ विष्णु अवतारी शालिग्राम देवशिला रथ देर रात गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद इसे अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया, जहां जय श्री राम के उद्घोष के बीच इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने और गोरखनाथ मंदिर में शालिग्राम देवशिला के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। गोरखनाथ मंदिर परिसर से शालिग्राम को अयोध्या धाम के लिए पूरे उल्लास के साथ रवाना किया गया। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के साथ मंदिर के अन्य पुजारियों और जनकपुर नेपाल से आए पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि ये ऐतिहासिक क्षण है। गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या धाम के लिए शालिग्राम शिला को प्रस्थान कराया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया है। इस शिला के अयोध्या पहुंचने के बाद इसे भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा तैयार की जाएगी। यहां सैकड़ों श्रद्धालु शिला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने कहा कि 7 माह पूर्व राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष इस पत्थर को लाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि श्री राम मंदिर हजारों वर्षों तक हिंदू आस्था का केंद्र रहेगा। यही वजह है कि नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को समझने वाले विशेषज्ञों की टीम भेजकर काली गंडकी नदी से इस पत्थर को चुनकर निकाला, जो 6 करोड़ वर्ष पुराना है। इसकी आयु अभी 1 लाख वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ नेपाल का जो रिश्ता है वो अनंत काल तक कायम रहेगा। राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसके लिए बनने जा रहा है वो राम ही है। वो श्री राम का अवतार नेपाल के काली गंडकी नदी के शिला से होने जा रहा है। यह उमंग, गर्व और खुशी की बात है। नेपाल की सरकार और पूरी जनता ने तन मन से इस शिला को खोजने और हस्तांतरित करने में साझेदारी दिखाई है, जिससे रिश्ता और प्रगाण होगा। यह सब भगवान श्री राम की कृपा है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने विवाद का निपटारा किया। सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकार किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए काठमांडू से आए अर्जुन विशाल, देवशिला यात्रा के सदस्य आयुषी राय, निधि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखनाथ मंदिर के पुजारी योगी शांतिनाथ, देवीपाटन मंदिर के पुजारी योगी मिथिलेश नाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व महामंत्री इंजीनियर पी के मल एवं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने कहा। जाएगा तभी बोलिए।
उत्पन्न होता है और स्वाहा भाव में से हम सबकी आहुति स्वीकार की जाएगी। हाथ जोड़ी थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे जाए। पहली आहुति उत्तर अग्नये स्वाहा, अग्नये नमः। बिल्कुल कम सामग्री डालिएगा क्योंकि हवन कुंड छोटा है। रात्रेन्द्रवत्या विषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा, I'm
किए जा रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद हाँ मेरे निकल गई है।
मेरा नाम अर्जुन भुसाल है, काठमांडू से। बहुत उत्साह है, स्वयं नारायण भगवान का पूजा हो रहा है और हम हिंदू है, आस्था से भी है और इस मौके पे सहभागी होने का जो मौका मिल गया है ये बड़ा सौभाग्य की बात है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार को बहुत खुशी है क्योंकि ये ऐतिहासिक पत्थर है और कहा जाता है कि शालिग्राम भगवान के जो अंदर होता है सोना, सोना तो होता है, छोटा शालिग्राम की शिला में सोना मिलता है और उसमें चक्र विभिन्न आकार रूप शिला अंदर होता है, तो इतना बढ़िया चीज जो भगवान राम के प्रतिमा के लिए जो दे रहा है वो तो सबसे बड़ा बात है, हिंदू के लिए गर्व की बात है, इससे बड़ा गर्व क्या होता है। इसी के नाते से स्वयं गंडकी की महिमा प्रचार कर रहे हैं आप लोग भारत में, सारा भारत की मीडिया अभी यहाँ गोरखपुर में है तो सब लोग प्रचार भी हो रहा है भगवान नारायण का, उस नदी का महिमा हो गया ताकि सब संसार भर के हिंदू वहाँ पर जा पहुँचे, स्नान कर पहुँचे, तो इससे बढ़िया बात क्या हो जाएगा। मेरा नाम आयुषी राय निधि है, मैं काठमांडू से आई हूँ। शिला लेकर चलिए आपको क्या कहना? ये बहुत ही बड़े हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और ये इतना बड़ा भव्य चीज जो यहाँ पे हो रही है इससे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने आप को। थैंक यू बहुत ज्यादा। गोरखपुर वासियों के लिए बहुत अद्भुत पल है कि नेपाल राज से चल करके आज इस धरती पर ये शिलाएं आई हैं। भगवान श्री राम भारत के कण कण में हर एक व्यक्ति में है, भगवान श्री राम भारत की आत्मा में है और आज इस शिला के प्रति लोगों की श्रद्धा ने इसको सिद्ध कर दिया है कि भगवान श्री राम को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि कल रात 1:30 बजे से आज सुबह तक ही लोगों का तांता नहीं टूटा है, लोग अपने घरों से स्वतः प्रेरणा से बिना जलपान के बिना भोजन के लोग निकल के आ रहे हैं और शिला का केवल एकमात्र दर्शन करने और छूने का प्रयास करने से ही उनके अंदर एक भावना आ रही है और भारत नेपाल का जो संबंध है वर्षों का संबंध इस शिला के द्वारा और प्रगाढ़ होने वाला है क्योंकि हम लोग के बीच में एक मैत्री संबंध रहा है, एक रोटी और बेटी का संबंध रहा है और शिला भेज करके नेपाल ने हम लोग के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का कार्य किया है। बहुत ज्यादा उत्साह तो देखने से चेहरे से और व्यक्तियों से महसूस हो रहा है, चारों तरफ हर्ष का माहौल, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी घर में बारात आती है, किसी घर में कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम होता है, ऐसे स्वतः प्रेरणा सब अपने प्रसन्न है, सब अपने स्वतः प्रेरणा से सारे कार्य कर रहे हैं। यो भी शांति राम, देखिए भगवान श्री राम जो है रोम रोम में रहे हुए हैं है ना, और ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनके उस राम नगरी का जो उद्घाटन होने जा रहा है वहीं के लिए ये पाषाण जो है गंडकी नदी से नेपाल के माध्यम से होते हुए सारा उन स्थानों से होते हुए आ रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री राम और माता जानकी के पदार्पण हुए और तत्पश्चात आज इसका गोरखपुर पहुँच करके यहाँ पर पूजन अर्चन बंधन स्तवन किया जा रहा है और यहीं से इसका प्रस्थान फिर वापस अयोध्या में श्री राम नगरी में होगा जहाँ पर समस्त अनेक धर्म से विभोर व्यक्तित्व उसके पूजन के शास्त्रों की विधि से अपने में करवाएंगे। इसी के साथ में मैं सभी यहाँ पर जनमानस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये उत्साह ऐसा है कि जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता, अनिवर्तनीय है ना, अवर्णनीय है। काफी दूर से क्योंकि नेपाल का और भारत का एक संबंध है और भारत और नेपाल का संबंध द्वापर शक्तिपीठ में भी इसी तरीके का पूर्वोत्तर राज्य का भी संबंध है, पौराणिक है, तो ये हम सबकी खुशी का विषय है और क्योंकि वहाँ से ये शिला जो है कि चलकर गोरखपीठ पहुंची है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्देश्यों को जो है कि ये शिला जो है पूरा कर रही है
क्योंकि एक सपना था इस पीठ का, राम मंदिर भव्य बने और वो बनकर तैयार हो रहा और इस शिला से जो है कि भगवान राम की प्रतिमा जो है वो स्थापित होगी। हम सबके लिए खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे नगर में पूरे देश के अंदर हर जगह से जो है कि लोग भारी तादाद में आ रहे हैं और जगह जगह पे जो है कि लोगों ने स्वागत किया है, पूजा पाठ किया है, तो ये सबकी खुशी की विषय का बात है। रहना चाहिए वहाँ जब पूजा पाठ किया, हम पूरे महात्मा सब पूरे जनता किए यहाँ से अयोध्या प्रस्थान करेंगे। वहाँ राम राम सीता का मूर्ति बने प्रचलन है, शिला का पूरा मंदिर है, वहाँ भी पूजा पाठ होते रहेंगे। अभी 10 बजे ये बहुत ही हम लोगों के लिए विलक्षण और लौकिक दृश्य है, ये क्योंकि श्री गोरखपीठ ने राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था और आज जब 500 वर्षों की गुलामी के बाद भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजे और उनकी मूर्ति बनने के लिए ये शिला श्री गोरखपीठ में पहुंची है, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को कितनी खुशी होगी और इस गोरखपीठ से जुड़े हुए लोगों की कोई सीमा नहीं है। आज लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, रात में करीब 1 बजे के आसपास में यहाँ पहुंची थी शिला और यहाँ अभी थोड़ी देर पर पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। और ये तो समझिए कि 500 वर्षों के जो गुलामी के बाद और ये जो हम लोगों की गुलामी एक सांस्कृतिक गुलामी थी, उससे हम लोग को आज़ादी मिली और उसके बाद एक भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर के साथ में ये शिला जो यहाँ पे है, तो इसको छूने के लिए, इसकी पूजा करने के लिए लोग इतने उत्साहित दिख रहे हैं और ये हम लोग के लिए अलौकिक दृश्य है। जी ये देखिए, राम और सीता का सुविवाह हुआ और राम का पैतृक भूमि अयोध्या है, राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी शादी हुई थी सीता से या जानकी से, जानकी का पैतृक भूमि जनकपुर है, मिथिला है, राजा जनक की पुत्री है। तो जिस तरह से राम और सीता का सुविवाह हुआ और उससे एक बहुत आधार संबंधों का बहुत बड़ा आधारशिला निर्माण हुआ, वो आज तक कायम है और सुदूर भविष्य तक अनंत काल तक ये नवीकरण से जो आज का नवीकरणीय का शिला को हम लोग भेज रहे हैं अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनने के लिए, अपने आप में एक अद्भुत आधुनिक युग में चमत्कारिक काम सब वही करते हैं, राम जी और सीता जी करते हैं, जो करवा रहे हैं कर रहे हैं और इससे नेपाल और भारत के बीच में ये संबंध बहुत ही दीर्घायु होगा, टिकाऊ होगा और अनंत काल तक होगा। इसके देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक तो इसका माने है ही, अर्थ है ही, लेकिन हर लोग राजनीति में लगने वाले हर लोग क्या कहते हैं, क्या ऐसा नहीं होगा राम राज की तरह, तो बताइए आप, ये राम राज भी है, राजनीति से अलग नहीं है ये। 2 बजे बहुत बहुत नुकसान होता है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए जिला प्रशासन द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में 14 टेबल लगाया गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के वोटों की मतगणना की जाएगी, जो कि 1,08,000 वोट है, जिसकी गिनती के लिए 14 टेबल बनाया गया है और हर टेबल पर 4 राजस्व कर्मी को लगाया गया है, जो प्रत्याशी व एजेंट के सामने बॉक्स को खोलकर गिनती करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है और मतगणना को समय से संपन्न करने के लिए 4 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, चलिए ठीक है। कुल 321 बूथ की काउंटिंग होनी है, जिसमें नियर अबाउट 1,08,000 वोट गिने जाने हैं, तो इसके लिए 14 काउंटिंग टेबल्स लगाए गए हैं, जिसमें हर टेबल पे 4 कर्मचारी लगाए गए हैं।
और इनकी ट्रेनिंग्स भी करा दी गई है। उसको असिस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोग भी रखे गए हैं। 4 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी पूरा हो सके। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पूरे देश का भ्रमण करते हुए बुधवार को गोरखपुर पहुंचा हूं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदू समाज के लिए 18 प्रकार का कार्य करता है, जिसमें गरीबों की चिकित्सा के लिए शिक्षा का प्रबंध करना व भूख बुझाने के लिए एक मुट्ठी अनाज योजना, इसके अलावा खेल में भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए देश में 15 संगठन कार्य कर रहा है। देश के 20,000 स्थानों पर मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि हिंदू जाग गया है, जिसका उदाहरण है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और जल्द ही मथुरा में भी मंदिर बनेगा। देश की रक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक कानून, लव जिहाद कानून शीघ्र बने, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया ने कहा। आज गोरखपुर में आगमन हुआ है और मेरी पूरे भारत की यात्रा के दौरान कल कुशीनगर महाराजगंज होते हुए आज गोरखपुर पहुंचा हूं। हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर भारत में हम 15 संगठनों के द्वारा करोड़ों हिंदुओं के कल्याण, अर्थात यह हिंदुओं की कुशल पूछना, गरीब है तो उसको अनाज और डॉक्टर देना, यह परिवार स्वस्थ रहे इसलिए मदद करना, बच्चों की टैलेंट बुद्धिमत्ता बढ़ाकर पढ़ाई में आगे बढ़े इसलिए सहयोग करना, और उनके बच्चे मोबाइल से बाहर निकलकर मैदान में स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाए इसलिए नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल, ये गतिविधियों के आधार पर करोड़ों हिंदुओं का कल्याण का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और उनके साथ जुड़े हुए 15 संगठन देश में इस समय कर रहे हैं। आगे क्या उद्देश्य है और किस तरह से लोगों को जागरूक? हिंदू ही आगे एकमात्र उद्देश्य है। हिंदू तो जाग गया है इसलिए तो मंदिर बन रहा है, और जागा हुआ हिंदू काशी मथुरा का मंदिर भी बनवा देगा। आगे जो बच्चे हैं गरीब हैं उनको किस तरह से लोग जागरूक करेगा हिंदू संगठन? गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, फ्री में डॉक्टर दे रहे हैं, और बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे बढ़े और उसको खेल कूद में आगे ले जाकर वह स्वस्थ रहे, वह काम हम कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह व SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने संयुक्त रूप से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम के समक्ष मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के वोटों की सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी, इसलिए प्रत्याशी व एजेंट विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से ही प्रवेश करें और अपनी गाड़ी मुख्य द्वार के सामने बने पार्क में खड़ा करें, और कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर ना आए, जो कि मतगणना कार्मिकों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि पूरी मतगणना CCTV कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी, इसलिए सभी कार्मिक सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर आ जाएं। इस अवसर पर SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, CO खजनी अनिल सिंह, CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, AHT प्रभारी जयशंकर चौबे सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, मतगणना ड्यूटी की संपूर्ण प्रभारी है SP ग्रैंड मैडम, SP ग्रैंड मैडम को मालूम होता है कि प्रभारी है CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, उनके सहयोगी है इंस्पेक्टर रामप्रसाद, स्पेशल शिफ्ट का टाइम सुबह 6 से 6 बजे तक है और द्वितीय शिफ्ट का टाइम शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। रात के शिफ्ट में श्री अनिल कुमार पांडे CO ग्रैंड
और सिमरनजीत चौबे आए हुए हैं, और श्री संजय कुमार जी डीसीआरबी प्रभारी संजय कुमार जी नहीं है। कारण में पहली शिफ्ट में श्री योगेंद्र सिंह सीओ है और श्री कल्याण सिंह स्टार्टअप आपके प्रभारी है। आउटर कार्ड की व्यवस्था हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि काउंटिंग में लगभग 48 घंटे का समय लगेगा और काउंटिंग अनवरत चलेगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगी, लेकिन सभी लोग अपनी ड्यूटी 7 बजे संभाल लेंगे, हमारे कार्मिक लोग और बाकी जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग लगभग 6 बजे यहाँ आ जाएंगे। और 24 घंटे के लिए 24 भी आप एजेंट मानते होंगे तो 400-500 लोग होंगे, परंतु 4-5 लोग ही हैं जिनके एजेंट बन पाए। अभी जब हमारी एजेंट लोगों को मिल ही नहीं है तो मैक्सिमम 500 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, इतने ही लोग आएंगे। यहाँ हमारी केवल कराई है कि जो व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहा हो उसके पास मोबाइल ना हो, समस्या नहीं। मोबाइल इसलिए होते हैं कि किसी मतपत्र का फोटो लेकर के बाहर ना निकले। तो जो हमारा ये पोस्टर है ये दोनों वाला जो जहाँ यहाँ मिलती है और यहाँ वहीं पे अपनी गाड़ी में रखते हैं या आसपास अधिकारियों की गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों में रखवा दें। हम उसका झंझट नहीं ले रहे हैं कि साहब हम मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था करेंगे, जो लेकर के आ गया है वो कहीं जाकर से फिर उसको वापस कर दे। इस एरिया में उस एरिया में और ये जो पोस्टर है इसमें नॉर्मली मोबाइल अनुमान्य नहीं होगा, लेकिन कोई अगर अधिकारी है इसलिए उससे कम्युनिकेशन रहेगा। अधिकारियों में आपके जितने गश्ती अफसर हैं, आपके इंस्पेक्टर साहबान हैं, कहीं ना कहीं उनसे फोन से कम्युनिकेशन रहता है और वो सब जिम्मेदार लोग हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतपत्र का फोटो नहीं दीजिएगा। अब चूंकि बरसात की संभावना है तो ये सामने हम थर्मल हैंगर लगवा रहे हैं, उधर भी अगर थर्मल हैंगर लगवा रहे हैं और सामने दो पकौड़े होंगे। अधिकारियों में जो लोग आएंगे यहाँ कमिश्नर साहब रहेंगे, जिलाधिकारी लोग होंगे और एक दो जिलों के और एडिशनल एडीएम साहबान होंगे और एडिशनल कमिश्नर साहबान होंगे। हम लगभग जैसे कल सुबह क्लियर भी कर दे रहा हूँ, अगर कहीं पर मेरा केवल इतना है, एक छोटी सी बात हो रही है, एक लड़की थी प्रियंका सिंह, उसका नाम मतपत्र में प्रीति सिंह लिखा था। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। कल यहां पर अर्थात 2 फरवरी के प्रातःकाल से मतगणना प्रारंभ होगी। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो इस स्थल पर आ रहे होंगे, माननीय प्रत्याशीगण, उनके एजेंट साहबान, तो वो विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से प्रवेश करेंगे। उनकी गाड़ियाँ ठीक सामने जो पार्क है उसी में पार्क होगी। किसी को भी यहाँ जो हमारा मतगणना स्थल है, मेरा अनुरोध है कि यहाँ वो मोबाइल लेकर के ना आएँ। अगर बाई दी वे घर से मोबाइल लेकर के चलते हैं तो अपनी गाड़ियों में ही रख लें। ये मतगणना जो हमारे कार्मिक हैं या मतगणना एजेंट हैं ये सभी पर ये लागू रहेगा। मेरा अनुरोध है कि वो सुबह 6 से 7 बजे के बीच प्रवेश कर लें, समय से आ जाएँ, जिससे हम लोग समय से मतगणना का कार्य प्रारंभ कर सकें। CCTV लगा के क्या? हाँ, आप ये आप देख रहे हैं मतगणना स्थल पर हम लोग जर्मन हैंगर भी लगा रहे हैं, जिससे मौसम थोड़ा सा इस प्रकार का है कि वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर सभी लोग CCTV की नज़र में रहेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आम बजट 23-24 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया लोक कल्याणकारी, कहा नए भारत की समृद्धि का संकल्प व अंत्योदय का विजन है बजट, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में नागरिकों की सुनेंगे फरियाद। नेपाल से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे विष्णु अवतारी शालिग्राम देवशिला रथ को बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद अयोध्या धाम के लिए किया गया रवाना। कहा अयोध्या पहुंचने के बाद इसी शालिग्राम देवशिला से तैयार की जाएगी भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा। गोरखपुर
गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है 14 टेबल। हर टेबल पर 4 राजस्व कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। गुरुवार को मतगणना पेटी को प्रत्याशियों के सामने खोलकर करेंगे गिनती। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन गरीबों की चिकित्सा, शिक्षा व अनाज का कर रहा है प्रबंध। देश के 20,000 स्थानों पर मदद के लिए शुरू किया गया है हिंदू हेल्पलाइन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मतगणना ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, YSP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने की बैठक। कहा, कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर नहीं करेगा मोबाइल फोन का प्रयोग। मतगणना CCTV कैमरे के निगरानी में होगा सम्पन्न। धोखाधड़ी कर चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 चोरी के पीले धातु का गहना किया बरामद, भेजा जेल। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए बने नए सॉफ्टवेयर के संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा, सॉफ्टवेयर में एक्सीडेंट के बारे में विस्तार से भरे सूचनाएं ताकि डाटा एनालिसिस के आधार पर सरकार को भेजी जा सके रिकमेंडेशन। भाजपा महानगर के कार्य समिति की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार का समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति का उत्थान करना है लक्ष्य। और 3 फरवरी को अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान विश्वकर्मा के प्रकट्य दिवस पर विश्वकर्मा मंदिर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी कर चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मीना निषाद पुत्री पलटू निषाद निवासी खास खुटहन दक्षिणी टोला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 चोरी के पीले धातु के गहने को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि 31 जनवरी को रेलवे रोडवेज बस स्टैंड के पास एक अदद नाक की नथुनी तथा एक जोड़ा कान का टप्स चोरी हो गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह, महिला कांस्टेबल दिव्या शामिल रहे। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए नए सॉफ्टवेयर के बारे में बैठक कर नए सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस को जानकारी दी, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट के दौरान सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस है। इसमें थाना पुलिस और PWD डिपार्टमेंट और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट के बारे में विस्तार से सूचनाएं भरते हैं। एक्सीडेंट का समय क्या था, कब हुआ, किस वजह से हुआ, मौसम कैसा है, गाड़ी की फिटनेस में क्या कमी थी जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है, किस कारण से दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, इस डेटाबेस को भरने के बाद इसके एनालिसिस के आधार पर लोडिंग और स्किल्स डिज़ाइन में कोई कमी है तो सरकार उसे रिकमेंडेशन भेजती है। उन्होंने कहा कि इन डेटाबेस के आधार पर सड़क निर्माण एजेंसी और वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारे कर्मचारी इस संबंध में थाना पुलिस के सभी सब इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से ट्रेनिंग दी गई ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा,
की दुर्घटनाओं को सही सही आकलन करना, सही सही आकलन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के लिए कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंसर्न रोड अथॉरिटीज के लिए डायरेक्शन देना कि रोड इंजीनियर में क्या फॉल्ट है उसकी कमी को दूर करें, ताकि जिन लोगों की जाने जा रही हैं उनमें कमी लाई जा सके। अभी आप जो डेटा भरना बता रहे हैं, नॉर्मली ये लोग सभी थाने में डेटा भरते हैं, डेटा भरने में इनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आधे तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बाकी जो नए बच्चे हैं इतना कंप्यूटर सब लोग सारे सर्विस जानते हैं फीडिंग करने के संबंध में। परंतु इसमें जो बेसिक्स है भरने के लिए गोरखपुर के दृष्टिकोण से वो आपके देश में नहीं है। क्या एनएच नंबर है या एसएच नंबर है तो कितना है, तो सबसे पहले आप इसका एक डेटाबेस बनाइए, पीडब्ल्यूडी से लेके डेटाबेस बनाओ कि एनएच वाले कौन से रोड है, क्या होता है एमवी आप सड़क की श्रेणी होती है, जैसे एक्सप्रेस वे हाईवे से जो रोड निकलेंगे दूसरे एसएच को कनेक्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट के किसी कस्बे को कनेक्ट कर रहे हैं उनको एमडीआर बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की उस समय क्या विजिबिलिटी थी। उसके लिए आप गूगल पे भी देख सकते हो, आजकल गूगल सब चीजें बता देता है कि आज की विजिबिलिटी कितनी है, किस एरिया में कितनी है, ऐप से ले सकते हो उन जानकारियों के बारे में कि आज क्लाउडी वेदर है कि सनी वेदर है कि रेनी वेदर है। अगर आप उसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि रेनी वेदर है, बारिश हो रही है, बारिश के दौरान दुर्घटना होगी, तब वो भी एक कारण, सूचनाओं को सही से सही होना है, इसी पर्पज से ये ट्रेनिंग जो है आपको दिया गया है। और जो ऐप में कमियां है उसमें लिखिए कि डेटा में फला की प्रदर्शित नहीं हो रही है, उससे हम लोगों के पास सूचना आएगी, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि ऐप में अगर ये सुविधा नहीं है तो आएगा उसका। तो इन सब कमियों के बारे में आपको जरूर दीजिए, और जब आप फीडिंग कर रहे हैं तो फीडिंग के दौरान भी आपको कुछ समस्याएं आती होंगी, तो इन सब चीजों के लिए आप लोग पॉइंट आउट करिए, भरने के दौरान आपकी जो समस्याएं आएगी उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एक्सीडेंट के दौरान जो सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं फिर मुकदमा लिखा जाता है, एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर है आई राइड इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, इसमें थाना पुलिस और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तीनों डिपार्टमेंट मिलके इसमें एक्सीडेंट के बारे में विस्तृत सूचनाएं भरते हैं, जैसे एक्सीडेंट का क्या समय था, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, मौसम कैसा था उस समय, गाड़ी के फिटनेस में क्या कमी थी, उनकी एज कितनी थी जिनकी डेथ हुई या दुर्घटना हुई, या किस पार्टिकुलर स्थान पर दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। इस डेटाबेस को भरने के बाद इसके एनालिसिस के आधार पर अगर रोड इंजीनियरिंग में या व्हीकल्स के डिज़ाइन में कोई कमी है तो सरकार उसमें रिकमेंडेशन भेजती है इन डेटाबेस के आधार पर सड़क निर्माण एजेंसीज के लिए और वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए। तो ये डेटा जो हम इनपुट भर रहे हैं ये सही होना चाहिए, डेटा सही भरे हमारे कर्मचारी, इस संबंध में थाना पुलिस के सभी नए सब इंस्पेक्टर्स जो हमारे आए हैं, नए सब इंस्पेक्टर्स के लिए और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए और ट्रैफिक पुलिस के लिए संयुक्त रूप से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि सही डेटा हो, फिर उसका सही एनालिसिस होकर सही रिकमेंडेशन आए जिससे कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आ सके, इसी उद्देश्य से ये ट्रेनिंग दी जा रही है। थैंक यू। भाजपा महानगर की कार्य समिति की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक स्थानीय होटल में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि विचारधारा को लेकर प्रतिबद्धता और निष्ठ कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा की सरकार है, इसके माध्यम से भाजपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने में लगी हुई है, देश का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है, भारत दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, दयानंद शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विश्वजीतांशु सिंह आशु,
प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्या पांडे, पुष्पदंत जैन, विश्वजीत सिंह आशु, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, देवेश श्रीवास्तव, ब्रजेश मणि मिश्रा, उमेश अग्रहरी, रमेश प्रताप गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, जीतू रणविजय शाही, गौरव तिवारी, मनोज अग्रहरी, अवधेश अग्रहरी, पद्मा गुप्ता, रंजुला रावत, अनुपमा पांडे, श्वेता श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, रमेश चंद्र गुप्ता, वीरेंद्र पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, जिनके माता की, भारत माता की बंदे बंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ इस महानगर के जिला कार्य समिति की बैठक प्रारंभ होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी में ये जब राष्ट्रीय कार्य समिति होती है उसके परिप्रेक्ष्य में फिर प्रदेश की कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश की कार्य समिति के बाद सभी जिलों की कार्य समिति होती है। बाकी जो राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रदेश कार्य समिति में जो विषय आ रहे हैं उसको नीचे महानगर और जिले की कार्य समिति में
पार्टी विरुद्ध योजना बने, उसने क्या किया है कार्यक्रम और आगे आगामी क्या कार्यक्रम हमको करने हैं, उसकी पूरी योजना रचना बनाई जाती है और अलग अलग सत्र इस कार्य समिति में चलता है। हमारा राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्य समिति में रखा जाएगा, उस पर भी बहस होगी, उस कार्य प्रस्ताव को भी पास किया जाएगा और आगामी कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर की एक कार्य समिति बैठक सम्पन्न हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, 16 और 17 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई थी और 22 तारीख को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई थी। 5 फरवरी तक सभी जिला कार्य समिति की बैठकें संपन्न करनी है और 15 फरवरी तक सभी मंडलों की कार्य समिति संपन्न होनी है। उसी क्रम में आज गोरखपुर महानगर की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। पूरे 3-4 घंटों में अलग अलग विषयों पर कैसे संगठन को मजबूत करना, कैसे आगामी आने वाले कार्यक्रमों को ठीक से करना, कैसे आगामी आने वाले निकाय चुनाव में और आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा। इस प्रकार पूरे समावेश चारों तरफ से पूरे पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर चर्चा मनन होगी। उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 3 फरवरी को अखंड ब्राह्मण महासभा द्वारा महानगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज की कई स्थानीय संस्थाएं और कई वरिष्ठ समाजसेवी तथा समाज के शुभचिंतकों के सभी युवा सदस्यों को द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि यह आने वाली 3 फरवरी को भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में जटाशंकर से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह शोभा यात्रा सुमेर सागर, विजय चौराहा, गणेश चौक, काली मंदिर, यातायात चौराहा, गुरु तेग बहादुर सिंह चौक, धर्मशाला और विश्वकर्मा मार्ग होते हुए विश्वकर्मा मंदिर पर आकर समाप्त होगी। शोभा यात्रा समाप्त होने के पहले एक समापन सभा आयोजित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह के पुत्र होंगे। उन्होंने बताया कि यह यात्रा जो विश्वकर्मा समाज को हानि हुई है, उसको उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए की जा रही है। पूरा देश और विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण इस प्रयास में है कि पूरे भारत देश में जो विश्वकर्माओं का बोलबाला पहले वैदिक काल में था, वह पुनः स्थापित हो। इस अवसर पर कृष्ण कुमार शर्मा, शिव रतन विश्वकर्मा, लाली अनीता शर्मा, रवि शर्मा, राकेश शर्मा, राजीव शर्मा, जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा, राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा 3 फरवरी को भगवान विश्वकर्मा का प्रकट उत्सव है। इस संदर्भ में हम लोग श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर से एक शोभा यात्रा आयोजित किए हैं। यह शोभा यात्रा सुमेर सागर, विजय चौराहा, गणेश चौक, काली मंदिर, यातायात चौराहा, गुरु तेग बहादुर सिंह चौक, धर्मशाला और श्री विश्वकर्मा मंदिर मार्ग होते हुए विश्वकर्मा मंदिर जटाशंकर के समाप्त होगी। समाप्त होने के पहले एक समापन सभा होगी, जिसमें मुख्य अतिथि सरदार इंद्रजीत सिंह और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह हैं। यह यात्रा विश्वकर्मा समाज के जो हानि हुई है विश्वकर्मा समाज को, उसको उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए की जा रही है और पूरा देश हम विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण इस प्रयत्न में है कि पूरे भारत देश में विश्वकर्मा का जो बोलबाला पहले था, वैदिक काल में था, वह पुनः स्थापित हो। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम बजट 23-24 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया लोक कल्याणकारी, कहा नए भारत की समृद्धि का संकल्प व अंत्योदय का विजन है बजट, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर।
दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में नागरिकों की सुनेंगे फरियाद। नेपाल से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे विष्णु अवतारी शालिग्राम देवशिला रथ को बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद अयोध्या धाम के लिए किया गया रवाना। कहा अयोध्या पहुंचने के बाद इसी शालिग्राम देवशिला से तैयार की जाएगी भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है 14 टेबल। हर टेबल पर 4 राजस्व कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। गुरुवार को मतगणना पेटी को प्रत्याशियों के सामने खोलकर करेंगे गिनती। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन गरीबों की चिकित्सा शिक्षा व अनाज का कर रहा है प्रबंध। देश के 20,000 स्थानों पर मदद के लिए शुरू किया गया है हिंदू हेल्पलाइन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मतगणना ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह व एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने की बैठक। कहा कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर नहीं करेगा मोबाइल फोन का प्रयोग। मतगणना सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगा सम्पन्न। धोखाधड़ी कर चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो चोरी के पीले धातु का गहना किया बरामद, भेजा जेल। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए बने नए सॉफ्टवेयर के संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा सॉफ्टवेयर में एक्सीडेंट के बारे में विस्तार से भरे सूचनाएं ताकि डाटा एनालिसिस के आधार पर सरकार को भेजी जा सके रिकमेंडेशन। भाजपा महानगर के कार्य समिति की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। ने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार का समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति का उत्थान करना है लक्ष्य। और 3 फरवरी को अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान विश्वकर्मा के प्रकट्य दिवस पर विश्वकर्मा मंदिर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।